बहुत बहुत स्वागत करते हैं न्यूज़ टुडे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस रिपोर्ट में हम आप सभी को बताने वाले हैं कि यूनिवर्सिटी कब से खुलने वाली है। साथ ही साथ जो है यूनिवर्सिटी खुलते ही आप लोगों की जो है परीक्षा की जो है फॉर्म भरवाई जाएगी। अब कौन से सत्र की जो है परीक्षा की फॉर्म भरवाई जाएगी, तो 2019 से 22 सेशन वालों की। अब जो भी ऐसे स्टूडेंट जो है परीक्षा फॉर्म पहले ही भर चुके थे, वो सभी स्टूडेंट को परीक्षा फॉर्म दोबारा से नहीं भरना है, ये बातें मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ। और जो ऐसे बच्चे बच गए हैं, 25,000 ऐसे बच्चे जो है बिना संबद्धता वाले कॉलेज में एडमिशन ले चुके थे, उनकी परीक्षा फॉर्म नहीं भराई गई क्योंकि उनके कॉलेज का नाम पोर्टल से हटा दिया गया था। अब नए परीक्षा नियंत्रक का कहना है कि इन सभी छात्र एवं छात्राओं का जो है परीक्षा फॉर्म भरने के लिए ऑनलाइन पोर्टल दोबारा से खोला जाएगा। वो सभी छात्र एवं छात्राएं जो है परीक्षा फॉर्म भरेंगे, और जो भी ऐसे स्टूडेंट अभी भी छूट गए हैं वो भी अपना परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं, कॉलेज से जाके वेरीफाई करवा सकते हैं, ऐसा जो है कहा गया है। हालांकि जैसा कि जानकारी दिया गया है कि 2 जून से खुलेगी बीवी, यानी कि 2 जून से यूनिवर्सिटी खुलने के चांसेस हैं अगर लॉकडाउन खुल जाती है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि 31 मई तक जो है गर्मी की छुट्टी दे दी गई थी पूरी यूनिवर्सिटी, साथ ही साथ कॉलेज में पूरे बिहार के। तो 31 मई के बाद जो है गर्मी की छुट्टी खत्म होने वाली है और कॉलेज जो है अपने नियमित समय से जो है स्वचालित रूप से चलेगी। और साथ ही साथ परीक्षा कराए जाने पर जो है पहले रिपोर्ट आपने देखी थी, उसी तरीके की रिपोर्ट जो है जल्दी निकल करके आने वाली है, क्योंकि आपका जो है डेट शीट अनाउंस किया जाएगा। जो भी ऐसे स्टूडेंट पहले तो जो बच गए हैं परीक्षा फॉर्म भरने के लिए, उन सभी का जो है परीक्षा फॉर्म भरवाया जाएगा। और जिनका परीक्षा फॉर्म पहले से ही भरा चुका है, वेरीफाइड भी हो चुका है कॉलेज की तरफ से, ऑनलाइन पोर्टल पे जब आपने चेक किया होगा तो वेरीफाइड का वहाँ पे लिखा होगा कि योर एग्जामिनेशन फॉर्म हैज़ बीन वेरीफाइड बाय योर कॉलेज। तो आपका अगर वेरीफाई हो गया है तो सिर्फ आपको एडमिट कार्ड के लिए इंतज़ार करना होगा, और एडमिट कार्ड आप लोग का जो है जल्द ही आपके कॉलेज में भेज दिया जाएगा और कॉलेज जो है प्रिंट आउट करके आप लोगों को देना शुरू करेगी। साथ ही साथ जिनका भी जो है अभी नहीं हो पाया वेरीफाई, उनका भी फॉर्म जो है जल्दी वेरीफाई हो जाएगा। कुछ ऐसे स्टूडेंट अभी भी पूछ रहे थे हमारा फॉर्म वेरीफाई नहीं हुआ है, क्या कारण है सर, तो आप सभी का फॉर्म वेरीफाई हो जाएगा, निश्चिंत रहिए। साथ ही साथ आपका जब भी एडमिट कार्ड बटाना शुरू होगा तो आपको मैं खबर के माध्यम से, यानी कि न्यूज़ के माध्यम से जो है आप सभी तक वीडियो पहुंचाने की कोशिश करूँगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, क्योंकि पहले पार्ट 1 की परीक्षा ली जाएगी, उसके बाद जो है पार्ट 3 की परीक्षा ली जाएगी। तो पार्ट 3 की परीक्षा 2018 से 21 सेशन वालों की होगी, जिनका फॉर्म जो है जुलाई में भरवाया जाएगा। और अभी जो है पार्ट 1 वाले की सबसे पहले परीक्षा ली जाएगी, क्योंकि ये 1.5 साल से भी ऊपर से लटके पड़े हैं, इनकी परीक्षाएं जो अभी तक के नहीं हो पाई है, बीच में लॉकडाउन लगा, कोरोना के केसेस जो है बढ़ने लगे, इसके वजह से जो है डेट्स को पोस्टपोन किया गया। गवर्नमेंट के तरफ से ऑर्डर्स भी नहीं थे कि परीक्षा को कराया जाए, लेकिन जून में अब लग रहे हैं हालात सामान्य होने के बाद जो है परीक्षा आप लोगों की ले ली जाएगी, जून आखिरी तक जो है शुरू कर दी जाएगी और जुलाई में जो है पार्ट 3 की परीक्षा का जो है फॉर्म भरवाया जाएगा। तो अगर आपका कोई भी सवाल है, सुझाव हो, तो नीचे ज़रूर कमेंट करें। तब तक के लिए हम चलते हैं, धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगली वीडियो।